हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित, आप देख रहे हैं अमित टेक रिपेयर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं वीवो Y71i पैटर्न लॉक यानी कि पासवर्ड लगा हुआ, इसको हम किस तरीके से मिरेकल 2.82 के साथ हम इसे अनलॉक करेंगे, साथ में FRP भी बाईपास हम करके शॉर्ट में आपको समझा देंगे। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके के और भी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आप मॉडल नंबर वीवो किसी फ़ोन को चेक करना चाहते हैं तो एक छोटा सा ऐसे कैमरा ऑन करके फोटो क्लिक कर लेंगे और यहाँ से डिवाइस इन्फॉर्मेशन में अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं वीवो 1801, ये आपका मॉडल नंबर है। इसको गूगल पे सर्च कर लेंगे वीवो 1801 मॉडल नेम, तो आपको ऊपर मिल जाएगा क्या मॉडल नंबर है। तो सबसे पहले हम फ़ोन को ऑफ कर लेंगे यहाँ से, ठीक है फ्रेंड, और बटन प्रेस करके फ़ोन को ऑफ कर लेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं ना क्या है, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम फ़ोन को यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमारा फ़ोन ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने पीसी के ऊपर। अब उसके बाद यहाँ से आपको मैनेजर को ओपन कर लेना, डिवाइस मैनेजर में चले जाना है और अपना मिरेकल 2.82 को यहाँ से ओपन कर लेना है। 2.82 आप बड़े आसानी से YouTube पर सर्च करें या गूगल पर सर्च करके उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिवाइस मैनेजर पे जाऊँगा, ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से पोर्ट को ओपन कर लूँगा ताकि मुझे पोर्ट दिखता रहे कौन सा पोर्ट यहाँ पर कनेक्ट हो रहा और कौन से नहीं हो रहा। इसका मैं ड्राइवर का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्रैक को आप YouTube या फिर Google से सर्च करके डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ओपन करने के बाद क्विलकॉम के सेक्शन में चले जाना। तो क्विलकॉम के सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट क्या क्या करना है वो चीज़ चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो उससे पहले सबसे पहले आपको कनेक्ट करना रहेगा अपना मोबाइल USB के थ्रू, ठीक है, रहेगा अपना मोबाइल USB के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए आपको दिखा दूँ ईडीएल पॉइंट इसमें कहाँ पर है, तो वो चीज़ पहले हम आपको दिखा दूँ। ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करना रहेगा, तो इसके नीचे बैटरी कनेक्टर के पास में हमें ईडीएल पॉइंट मिलेगा। तो इसको जैसे स्टिकर में यहाँ से हटाऊँगा तो नीचे मुझे दो पॉइंट दिखाई देंगे जो कि हमारे ईडीएल पॉइंट हैं। तो इन दोनों ईडीएल पॉइंट को शॉर्ट करते हुए हमें डाटा केबल को कनेक्ट करना है और बैटरी कनेक्टर को अलग कर देना है, ठीक है, बैटरी को बोर्ड से अलग रखना है और इस तरीके से शॉर्ट करते हुए हमें डाटा केबल को कनेक्ट करना रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ पर जैसे ही डाटा केबल कनेक्ट करेंगे तो हमें इसको कनेक्ट हो जाना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट हो गया है, क्योंकि मेरे पास ड्राइवर इंस्टॉल था, कोई इशू नहीं आया, हमारा कनेक्ट हो गया। यहाँ पर पोर्ट से सर्च किया तो मेरा पोर्ट भी आ गया। अब यहाँ पर वीवो सेलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर सिंपल से Y7 करके आ गया ना, 7i करके, एक सेकेंड फ्रेंड हम सर्च कर लेते हैं। तो हमें मिल गया, आ गया ना 7i करके, एक सेकेंड फ्रेंड हम सर्च कर लेते हैं। तो हमें मिल गया यहाँ पर 71, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Y71 मिल गया, 71i की ज़रूरत नहीं, 71 मिल गया। अब यहाँ पर स्टार्ट बटन मेरा काम नहीं कर रहा, तो मैं डेट को पीछे ले जाऊँगा तो मेरा स्टार्ट बटन यहाँ पर वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक है। देख सकते हैं स्टार्ट बटन ओपन हो गया। अब यहाँ पर फॉर्मेट वाले ऑप्शन पर आपको सिंपल सेलेक्ट करके स्टार्ट बटन आपको दे देना है। तो अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। तो यहाँ पर कुछ एरर मुझे दे रहा है, तो इसका मतलब मुझे कुछ प्रॉब्लम है हमारे पोर्ट्स के अंदर, यानी कि हमारा जो सिलेक्शन है बूट डिवाइस, यानी कि वो कोई ना कोई मिस्टेक है। तो यहाँ पर हम उसको सेलेक्ट कर यूनिवर्सल सेलेक्ट करूँगा। यूनिवर्सल के बाद यहाँ पर वीवो मेथड आपको सिंपल सा सेलेक्ट करना रहेगा यहाँ पर, ठीक है। नहीं, पहले वीवो करना है, सेकेंड में यूनिवर्सल में यहाँ पर
वीवो मेथड सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको फैक्ट्री पर सेलेक्ट करके स्टार्ट बटन देने के बाद यहाँ पर आपको फैक्ट्री पर सेलेक्ट करके स्टार्ट बटन देना है। तो इस बार ये सक्सेस हो जाएगा क्योंकि उस बार मेरा ये बूट कनेक्ट नहीं हुआ था। तो हम थोड़ा वेट करेंगे, तो कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ से जो इरेजिंग सारा डेटा हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है, डन आ गया, कनेक्टिविटी भी डन हुआ और साथ में फॉर्मेटिंग भी डन हुआ। अब यहाँ से मैं डाटा केबल को रिमूव कर लूँगा, डाटा केबल को रिमूव करके बैटरी को कनेक्ट करके इसको पावर ऑन करूँगा और हम देखेंगे कि ये मेरा ऑन होने के बाद इसका FRP अनलॉक होता है या नहीं होता। तो फिलहाल मेरा जो फ़ोन है अनलॉक तो हो चुका है, लेकिन FRP अनलॉक होता है या नहीं होता हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर ओपन हो चुका है हमारा फोन, तो यहाँ पर हम सेटअप कर लेंगे जल्दी जल्दी से। तो सेटअप पर क्लिक करेंगे, यहाँ लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा और यहाँ कंट्री सेलेक्ट हो करूँगा और यहाँ से हम नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पर हमें वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा शायद, तो यहाँ पर हम स्किप कर लेते हैं, सिंपल से एक्सेप्ट कर लूँगा और नेक्स्ट कर लूँगा और यहाँ से स्किप कर दूँगा फेस अनलॉक को, फिर नेक्स्ट कर लूँगा, फिर यहाँ से स्किप कर लूँगा डाटा इम्पोर्ट को और सेटअप पर क्लिक कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं मुझे दोबारा से बैक ले गया, इसका मतलब है कि इसके अंदर अभी FRP मुझे डाउट हो रहा है। तो मैं दोबारा से यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार अपना वाईफाई, तो वाईफाई कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको देखेंगे कि ये कम्प्लीटली ओपन होता है या नहीं। तो हम यहाँ फिर से दोबारा से ओपन कर लेते हैं, नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक ना। तो अब यहाँ पर वाईफाई मेरा आ चुका है, तो मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक ना। तो अब यहाँ पर वाईफाई मेरा आ चुका है, तो मैं वाईफाई को कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट करूँगा यहाँ से सिंपल से, फिर दोबारा से यहाँ पर एंड्रॉयड एंड सेटअप पर क्लिक करूँगा, डोंट नाइट पर क्लिक कर दूँगा यहाँ पर और थोड़ा सा वेट करूँगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल अकाउंट हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब हमारा FRP लॉक अभी भी रह गया है, ठीक ना। पासवर्ड अनलॉक हुआ लेकिन FRP हमारा नहीं गया, तो सेम प्रोसेस रहेगा इसको भी अनलॉक करने का। तो इसका मैं सेटअप आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से FRP करना है। तो आपको वहीं क्वालकॉम के अंदर एक्स्ट्रा के अंदर यूनिवर्सल और यहाँ पर यूनिवर्सल वीवो मेथड सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको रिमूव अकाउंट लॉक अदर पर क्लिक करके स्टार्ट बटन देना है ADL पॉइंट को शॉर्ट करते हुए आपको डाटा केबल कनेक्ट करने के बाद। सिंपल है फ्रेंड, कुछ ज़्यादा नहीं, जैसे आपने अनलॉक किया उसी तरीके से FRP को भी आप अनलॉक कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सेम प्रोसेस किया, अनलॉक हो गया, मैं आपको स्किप कर दूंगा, स्किप का ऑप्शन मुझे मिल गया और ये स्किप हो गया। तो इस तरीके से आप इसको कम्प्लीटली अनलॉक कर सकते हैं वीवो 71i को। तो वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह इसी तरीके के और भी नॉलेजेबल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।